हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसका जो पूरा रिव्यू है हम आपको देने वाले हैं, और इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का भी रिव्यू दे चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसमें क्या आपका जो है वो सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, बिगेस्ट एनालिसिस, ठीक है। अभी नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा टफ था, मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट इजी थी। अगर फर्स्ट शिफ्ट में अगर 80% लेवल था तो इसमें मतलब आप मान के चलिए 60 लेवल या 65 लेवल के समथिंग इसमें आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या पूछा गया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का भी एनालिसिस देने वाला हूँ, और साथ ही कल जो क्लर्क का एग्जाम आपको होने वाला है और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं सबसे पहले आपको रीजनिंग के दिखाने वाला हूं क्या क्या पूछा गया है, सेफ अटेम्प्ट्स आपका क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको रीजनिंग में दिख रहा होगा, ठीक है, 5 नंबर का आपका इनइक्वालिटी पूछा गया था, 5 का चाइनीज कोडिंग, 2 का ब्लेड रिलेशन, 3 नंबर का डायरेक्शन, 4 का मिसलेनियस पूछा गया, 4 का मिसलेनियस हो जाता है। इसके बाद 20 नंबर की जो है आपकी पज़ल पूछी गई थी, जिसमें कि आप देख रहे होंगे 7 जो मेंबर हैं वो सर्कल में बैठे हुए हैं और वेरिएबल है और इनसाइड देख रहे थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद था सेकंड जो पज़ल थी, वो थी 8 रो थे, सिंगल रो थी, उसमें नॉर्थ और साउथ देख रहे थे। तो ये जो दो आपकी पज़ल थी, ये जो दो पज़ल थी आपकी, ये थोड़ी सी टफ आप कह सकते हैं। बाकी ये पोस्ट में थे, मतलब पोस्ट वाइज दे रखा था ना, सीनियरिटी के हिसाब से उसमें 10 मेंबर थे, और एक था ईयर वेस्ट जिसमें कि 8 मेंबर थे, ये सिंपल थी। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो रीजनिंग का था वो मतलब ईजी ही कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। तो सेफ अटैम्प्ट आपके इसमें क्या हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सेफ अटैम्प्ट आपके हो सकते हैं लगभग 30+ जो है आपके अगर करके आए हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, ठीक है ना, अगर 30+ आप बना के आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैथ की हम बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपको देखिए 5 का जो है आपको 5 नंबर का जो कि अप्रोक्सीमेशन देखने को मिला है, 5 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 का बार ग्राफ जो कि थोड़ा मॉडरेट था, 5 का टेबल डी आई मॉडरेट था, 5 का कैसलेट डी आई जो कि इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो बार ग्राफ और टेबल ग्राफ थे तो सिंपल, बट जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थोड़े लेंथी पूछे गए थे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल थे और बाकी दो क्वेश्चन जो थे थोड़े थोड़े लेंथी थे, ठीक है। इसमें देखिए आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को नहीं मिली है, जो कि पहली शिफ्ट में आपको देखने को मिली थी, और पहली शिफ्ट में 2 DI पूछे गए थे, यहाँ 3 DI पूछ ली है। तो मतलब ये थोड़ी कहीं ना कहीं जो शिफ्ट है वो टफ हो जाती है। और देखिए पहली जो शिफ्ट थी उसमें 12 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, इसमें 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के पूछे गए हैं, ठीक है। और जब का रीजनिंग था उसमें स्लॉक्स भी नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो ये थोड़ी जो शिफ्ट थी आपकी वो थोड़ी टफ हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम इसमें सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं तो आप मान के चलिए 22+ अगर आपके आ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा करके आए हुए हैं मैथ में, ठीक है। तो ये आपके अगर अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल हम देख लेते हैं कि क्या क्या बच्चों ने कमेंट किए हैं, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि इन्होंने देखिए इनके 65 अटेम्प्ट करके भी आए हुए हैं, ठीक है। और इसके देखिए 29 रीजनिंग और 36 जो है आपके क्वांट में करे हुए हैं, ठीक है। इस मतलब अलग ही लेवल क्वांट चल रहा है इनका, तो भाई सब, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके 37 रीजनिंग, 27 मैथ, नेक्स्ट जो 50 अटेम्प्ट करके आए भाई हमारे, 32 रीजनिंग है, 18 क्वांट में, मतलब क्वांट थोड़ा अच्छा लेवल का था, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ देखिए 52 अटेम्प्ट, ठीक है, यहाँ देखिए 70 अटेम्प्ट, और मैथ में देखिए 32 और रीजनिंग में 38, मतलब रीजनिंग फिर भी सिंपल था, मैथ पर थोड़ा टफ लग रहा था। ये देखिए 68 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 26 इन मैथ्स करे हुए हैं, ठीक है, 71, ठीक है ना, और यहाँ देखिए 28 मैथ में, 32 रीजनिंग में, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल दिख रहा होगा आपको, देखिए 22 मैथ्स, ठीक है ना, रीजनिंग इनको लेंथी लगा था ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट आपकी हुई थी उससे थोड़ा सा कहीं हम कह सकते हैं थोड़ा टफ था, बट बच्चे फिर भी अटेम्प्ट करके आए हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन से वाले बच्चे प्रो वाले हैं या मतलब जो बीच वाले हैं, ठीक है ना, मॉडरेट बच्चे हैं कौन से। तो अगर मैं मॉडरेट के हिसाब से बात करूँ, ये जो कॉमन बच्चा होता है जो एवरेज जो कट ऑफ जाना चाहिए, तो जो आपकी एवरेज जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 52+। फर्स्ट शिफ्ट से तो थोड़ी कम ही जाएगी क्योंकि इसमें 3 DI पूछ ली गई थी और बाकी आपका जो था रॉन्ग नंबर सीरीज और जो सिलॉक्स थे वो गायब थे इसमें से, ठीक है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा कम जाएगा आपका 2-3 नंबर,
ठीक है ना। इसके बाद जो भी नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी इसमें रोल करेगा, और इसके बाद हम जो है कल आपका क्लर्क का एग्जाम होने वाला है और 14 अगस्त को जो है आपका होने वाला है, उसकी भी हम आर में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पूरा एनालिसिस। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यही नहीं, आगे आप हम जो है कैसे ही कल हम आपकी जो शाम को पूरी शिफ्ट का जो है ख़त्म हो जाएगा एग्जाम, इसके बाद हम पूरी 8 शिफ्ट का एनालिसिस करके आपको बताएंगे विभिन्न विभिन्न माध्यमों से, जाके पोल से, कमेंट से, बिल्कुल एक्यूरेट आपको कट ऑफ देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए दी एग्जाम हेल्पर। मैं हूँ आपका फ्यूचर हेल्पर। जय हिंद, जय भारत।